हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा के शिमला पार्क तालाब के पास एनसीपी पार्टी के इमरान सुरमे की तरफ से एक कैंप रखा गया है। इस कैंप में सुकन्या योजना और आधार कार्ड फ्री अपडेट किया जा रहा है। साथ ही इमरान सुरमे ने बताया कि सुकन्या योजना में 10 साल की उम्र की जो लड़कियाँ हैं उनका खाता खोला जा रहा है और 100 लड़कियों के खाते में पहला शुल्क 250 रुपये उनके तरफ से जमा किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अभी ये कैंप अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इमरान सुरमे ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। ये कैंप आज का जो रखा गया है वो आधार कार्ड का कैंप रखा गया है, मेरे वालिद मोहतरम जनाब यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे के नाम से, जो पूरा बिल्कुल फ्री है। चाहे वो अपडेट हो मोबाइल या फ़ोटो अपडेट हो या करेक्शन हो एड्रेस का, जो भी हो। और दूसरी योजना जो है सुकन्या योजना, जो गवर्नमेंट की योजना है, जो 10 साल की लड़की के अंडर, जो 10 साल के अंदर जो लड़कियां हैं उसके के लिए ये योजना है। ये 250 रुपये का कुछ एक फ़ीस रहती है, जो वो भी हमारी तरफ से 100 योजनाएं फ्री हमारे तरफ से दी जा रही है। वो आप आपके शादी के वक्त या पढ़ाई के वक्त उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक कितने लोगों ने लाभ लिया? अभी तक कुछ 70 लोगों ने आधार कार्ड का कुछ अपडेशन हुआ है और सुकन्या का शायद 50 लोग का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो तरफ से जो पहले 250 रुपया दी जाएगी, कितने लोगों को दी जाएगी? ये 100 लोगों को दी जाएगी जी। इसके अलावा आप अपने इस अवार्ड में और भी किस तरह की एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। जैसे एक्टिविटी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप मैं पिछले कुछ महीनों पहले रखा था। सबसे शुरुआत तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की थी। आपको पता होगा कि जब से मैं ब्लड डोनेशन रखा था, फिर आधार कार्ड का भी ये रखा है और मेडिकल कैंप भी रखा था, अभी आई चेकअप का और ये सब रखा था और वैक्सीनेशन के कैंप थे। ये डॉक्यूमेंटेशन का जैसे NRC वगैरह है, तो ये एड्रेस वगैरह नाम के चेंजेस ये सब सही होना चाहिए, इसलिए ये एक पहल है डॉक्यूमेंटेशन। अभी ये कैंप कितने बजे तक चलेगा? ये 6 बजे तक चलेगा, सुबह 10 से 6 बजे तक रहता है और ये 4 दिन का कैंप है, 3, 4, 5 और 7। आज से शुरुआत हुई है जी, आज से 3 दिन और अभी ये कैंप है जी। बिल्कुल।